सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है मीशो से, तो मैं सोची आप लोग के सामने इस पार्सल को ओपन करती हूँ। मैंने एक प्यारा सा कुर्ता सेट मंगाया था ग्रीन कलर का। आई थिंक उसका रेयन फैब्रिक जो शाइन करता है, तो मुझे पिक पे तो काफ़ी अच्छा लगा था। ग्रीन कलर भी काफ़ी मस्त था, वो चेहरे पर आपको अच्छा लुक देने वाला। और तो मैं सोची चलो एक बार इसको ऑर्डर करके देखती हूँ शिम्पू से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं बस ये पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ और मैं सोची आप लोग के सामने इस पार्सल को करती हूँ अनबॉक्सिंग। आप लोग भी देख लो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन कैसा है। तो मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मीशो से सेम टू सेम ये मुझे सूट रिसीव होगा, वाकई में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। इसकी प्राइस है 835 रुपीज़, ओनली 835 रुपीज़ पे। और ये मैं जब मैंने इसको निकाला सूट को, ओ माय गॉड वाली फीलिंग थी। आई थिंक कि सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ था और जैसा मैंने पिक में देखा था, ऐसा नहीं कि जो पिक में है वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे रिसीव हुआ था। दुपट्टे की बात कर लूँ मैं, इसके दुपट्टे को आप देख सकते हो, और ऑरेंजा सिल्क बहुत ही लाइट वेट की दुपट्टा है। आपको इसको पिनअप करना पड़ेगा एक सेफ्टी पिन के साथ, वरना ये बार बार आपके बॉडी से फिसल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, उसमें आपको फ्लावर मिलेंगे येलो कुछ रेड, आपको फ्लावर पूरे दुपट्टे पे, और गोल्डन कलर की आपको बोटा पट्टी दिखेगी साइड साइड में जो लगाई हुई है, जो काफ़ी सूट को एक अच्छा लुक दे रहा था। वैसे भी गोल्डन कलर किसी चीज़ में आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल मुझे दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगा, मतलब एक कहते हैं ना चेहरे पे कहते हैं ना खिलने वाला कलर, वो ग्रीन कलर था ये, जो काफ़ी आपके चेहरे पे अच्छे से उभर के आता है। और इसकी बात कर लूँ आपको बॉटम वेयर की, तो बॉटम वेयर में मुझे रिसीव हुआ था एक प्यारा सा शरारा कह लो, गरारा कर लो, इतना फ्लेयर तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, गरारे का बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, बट काफ़ी मस्त है। जितना भी है बहुत अच्छा है, इतना फ्लेयर ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल ये रेवन सिल्क कपड़ा था, शाइनिंग थी कपड़ों पे, और इसके गरारा पे भी नीचे में गोटा पत्ती था, अच्छी इलास्टिक प्रोवाइड की हुई थी वेस्ट के पास, काफ़ी अच्छे स्ट्रेचेबल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये हक्का आपका होगा कुर्ता लाइनिंग टाइप का दिया हुआ आप देख सकते हो, और इस पर भी आपको मिल गई है गोल्डन गोटा पत्ती, और ये एक अम्ब्रेला फ्रॉक सूट है जैसा, और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये गाइस। मैं कभी आपको वीडियो बनाऊंगी तो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर भी है, शाइनिंग है, सबसे पहले कपड़ों पे शाइनिंग, ऐसे टाइप के कपड़े होते हैं ना कभी पुराने नहीं होते, शाइन बरकरार रहती है। तो ये आपको एक अम्ब्रेला लंबी फ्रॉक सूट है, आपको नी लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और ये आपको राउंड नेक है, और नेक पर भी आपको देख सकते हो गोल्डन पत्ती आपको बैठाई हुई है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल प्राइस के अनुसार ये सूट काफ़ी अच्छा है, आप भी इसे चेकआउट कर सकते हो मीशो पे। अगर आपको चाहिए कोड तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब चलो, आज है सैटरडे, और सैटरडे को खिचड़ी तो ऑब्वियसली सबके घरों में बनती है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी सिंपल वे में। मैंने मूंग दाल की खिचड़ी, मैंने मूंग दाल और चावल को भिगोकर मैंने उसे स्टीम लगाने के लिए बैठा दिया है, और यहाँ पर मैं जो भी थोड़े से वेजिटेबल्स हैं मैं उसको अभी कट करके फ्राई कर रही हूँ, फिर ये सारे वेजिटेबल मैं खिचड़ी में डाल के छौंक मार दूँगी। और ये मैं सिंपल बना रही हूँ, उसमें मैं कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं कर रही, बस हल्दी और ये लहसुन है, और जो मैंने ये काटा है वह। तो सिंपल वे में आज हम लोग खाएँगे खिचड़ी, और खिचड़ी पर मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, दही था तो मैं सोची दही के साथ हम लोग खा लेंगे, और शैलेट काट दूँगी, प्याज वगैरह और पापड़ तल दूंगी। ऐसे अक्सर खिचड़ी पे हम लोग चोखा खाते हैं, भुजिया खाते हैं, बट मैंने नहीं बनाया था, मैंने पापड़ डल दिया था और प्याज मैंने काटा था और अचार था नींबू का, बस खा पी कर उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम किए। आप अर्नब से मिल लो आप लोग, अर्नब यहाँ देखो बस मस्ती की मूड में, थोड़ी देर पहले सो कर उठाया और वो अपने दीदी के साथ खेल रहा था। एक्चुअली गाइस बताना, आप लोग घर में जब बच्चे रहते हैं ना तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्या ये सही बात है ना? अगर आप चाहोगे सोचोगे कि दो मिनट में आराम कर लो तो हो नहीं सकता है, वो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर पे, एक को आप अगर खिलाते हो तो दूसरे की टाइम आ जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके पूरा दिन बच्चों में गुजर जाता, पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई है। अर्नब की अभी मालिश की टाइम हो गई थी, तो अभी अर्नब खेल रहा था तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़े बहुत बच्चे हैप्पी रहते खेलते हैं तो खेलने दो, उससे क्या होता है उनके मूड जो है फ्रेश हो जाते हैं। काफ़ी क्यूट सी स्माइल है बेटू की, देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्यारा स्माइल करता है। तो बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि जो मेरा बेबी बॉय था वो किस साइड मूवमेंट करता था,
देखो आराध्या ने कंघी करना शुरू कर दिया अर्णव के बालों पर। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जो अलग अलग चेंजिंग अलग अलग बॉडी में डिपेंड होती है, ना ही कि सबके जो सिम्टम्स से एक जैसे हो। फिर भी आप लोग जो पूछ रहे हैं तो मैं आप लोग की बात बता देती हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ बेबी बॉय के टाइम के, तो मैं हमेशा राइट करवट सोती थी। मुझे अपना बेबी बॉय राइट करवट अर्णव जब अब खेल रहा शैतान, वो मुझे हमेशा राइट करवट महसूस होता था। मैं लेफ्ट करवट बिल्कुल नहीं सोती थी, हमेशा राइट में सोती थी क्योंकि मुझे राइट में सोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरे बेली के आसपास वो मूवमेंट करता था पूरे नीचे में और कभी कभी राइट साइड में, और राइट साइड मुझे तो सोना पूरे प्रेगनेंसी में सोना पसंद था। मुझे पूरे प्रेगनेंसी में मैं राइट साइड ही सोती थी, लेफ्ट कोई बोलता भी था तो मैं नहीं सोती थी। तो मैं आप लोग बता दूँ, मुझे राइट साइड सोना पसंद था और बेबी बेली के पास मुझे महसूस होता था, पेट के पास जो नाभि होती है ना वहाँ पर। तो यही था मेरा बेबी बॉय जब मैंने कंसीव किया था, तो मुझे ऐसा मोमेंट महसूस होता था। आप लोग बताना आप लोग का मोमेंट कहाँ महसूस होता है। और चलो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अर्णव को मैंने वॉकर में डाल दिया, अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ, थोड़ा खाना वगैरह का देखती हूँ, जल्दी बना के सब्जी रख देती हूँ। रोटी वैसे भी रात को बनती है 9 बजे, सारे लोग गर्म ही खाते हैं। मैं सोच रही हूँ सब्जी जल्दी बना कर रख देती हूँ, अर्णव खेल रहा है तो। और ये देखो पर्दे को खींचने में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो चलो वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और आप हो सके तो इसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। अब मैं जा रही हूँ काम करने, खाना बनाने, और साथ ही साथ अर्णव के साथ खेलूँगी खाना।